किसी भी व्यक्ति के साथ ये बड़ा कठिन काम होता है जो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ कहें, क्योंकि अगर कोई अपने पूर्वजों के बारे में कोई आलोचना करेगा तो समाज उसको गिरा देगा। समाज उसको कहेगा वही तो अपने बुजुर्गों की आलोचना कर रहा है, प्रशंसा करेगा तो कहेगा खुद अपनी महिमा मंडल अपनी महिमा है बारे। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल ये होता है और आज मेरे को ये मौका दिया है। लेकिन असलियत क्या है ये जरूर मैं बताऊंगा। जहां तक आलोचना का सवाल है लेकिन जो ये बात ठीक कही वीरेंद्र सिंह जी ने, ये किससे मैंने सुने अपने नाना जी के बारे में, भाई के साथ क्या हुआ था, कैसे ज्यादा कितनी कठिन परिस्थितियां थी उसमें, सड़क भी ठीक कह रहे हैं कुछ भी था कि दूर जाना आना कोई एक व्यक्ति के लिए आसानी से संभव नहीं था, लेकिन उनका अपना भाई के प्रति एक प्यार था या अपने भाई के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने अपना शरीर का या कोई ख्याल नहीं किया थे दौड़ के गए हों, कोई आसान मन बेहतर रहते थे गुरु बाद में वो बहुत मजबूत थे। जैसा इनने बताया चांदिया लोग मोड़ना ऐसे कई कस्से हम भी सुनते थे। उम्रखा में वो पत्थर है उसको बताते हैं वो उठाता है तो उठा नहीं सकता भाई मारे मुझे उठा लेते थे ऐसा सुनते आए बचपन में। तो उनका इतना प्यार इतने वो एक साधारण व्यक्तित्व में असाधारण व्यक्ति थे, असाधारण थे। आपने सोचे भी तो अपनी ही महिमा का है, लेकिन जो सच है जो मैंने महसूस किया है बगैर मैं तो निष्पक्ष हुए मैं वो कुछ बात कहना चाहता हूँ। बस बात तो सारे साथियों ने कह दी, साहित्यकार ने कह दी, इतिहासकार वीरेंद्र सिंह जी ने कह दी, तो साहित्यकार और इतिहासकार कह चुके तो मेरे जैसे आदमी पास कुछ बता नहीं कहते क्या। लेकिन और मेरे दादा का शिक्षा संस्थान में बहुत रुचि रही, जो आज रोहतक में जाट संस्था है सबसे पहली इस इलाके में जो संस्था बनी जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, बाद में जाट एंग्लो संस्कृत और वार मेमोरियल हाई स्कूल बना, उसके संस्थापक प्रधान तो मेरे दादाजी थे और संस्थापक सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी के नाना थे चौधरी छोटूराम जी। तो इन दोनों की जो शिक्षा आप बढ़ा रहे हो इस बात की खुशी है। इस इलाके को ये देखकर मेरे को यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है। और सबसे पहले ये जो हमारे मामा नरेंद्र सिंह जी ने प्रयास किया और ये किताब में सहयोग दिया, इनका मैं आभारी हूं। और सबसे पहले आज का यहाँ का निमंत्रण मेरे को वीरेंद्र सिंह जी ने टेलीफोन किया, भाई आपको आना है, फिर मेरे मामा नरेंद्र का मैं जरूर आऊंगा। उस टाइम सेशन चल रहा था कार्यक्रम में पूछी भाई इस टाइम आएगा, तो मेरे भाई भाई का भी और मामा का आदेश माना मैंने और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अभी पूरी किताब भी पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद एक साल के बाद कोई आप आयोजन करोगे तो उसका व्याख्यान भी मैं करने वाला हूँ। बहुत तो गई
पढ़ी नहीं, लेकिन जो मेरे उद्धार है मेरे दादा के बारे में, मैं घंटों एक एक चीज उनकी बात कर सकता हूं। मैं जब लॉ में पढ़ता था फाइनल ईयर में, मेरे को 30 और 40 के बीच में एक बार रात को पेट में दर्द होता था, सारी रात को सो नहीं सकता था। बहुत से डॉक्टरों को देखा, मेडिकल कॉलेज में भी एडमिट रहा। एक दिन मेरे दादा ने कहा कि भाई मेरी दवाई दे, नहीं तो मेरा विश्वास नहीं माफ करना, ये मेरा कोई विश्वास नहीं। मेरे दादा मैं नहीं देता तेरी दवाई, मैंने नहीं ले, अच्छा काली काली वैसे खाऊं तो हूं मुंह खराब हो, लेकिन अब मौका मारना था। और कहने लगा कि 15 दिन के बाद मेरे को रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि कैसा रहा। तो एक दो दिन तो मैंने खाई, फिर पता इससे पेटा छूट जाए तो आई थी तो ज्यादा ठीक, लेकिन उसी दौरान में दर्द उठ गया। और वो दर्द भी ऐसा था कि 8-10 घंटे चलता था, मैं बहुत परेशान होता था। तो फिर मैंने सोचा कि अगले दिन से मैंने फिर उसको नियमित रूप से लेना शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गया। उन बातों को मेरे ख्याल में आज के दिन 53 साल हो गए। तो ये आयुर्वेदा में भी उनका अपना उनकी इतिहास में भी उनकी पूरी रुचि थी, इसलिए वो बहुया भी कही है। और मैं ये भी बताऊंगी कि किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी उनके पास, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, लेकिन ज्ञान ज्ञान का जो प्रकाश था वो गजब था। और इसीलिए वो प्रभावित करते थे हमारे जैसे बच्चों को भी। और कहीं भी शिक्षा का अभाव हो, बेशक हो, हमारे इलाके में तो पूरा था। 8वीं जमात के बाद अगर कोई जाता उस वक्त पढ़ने के लिए, तो उसको या तो कोटरी जाना पड़ता है, शाहबाद जाना पड़ता है, या पटियाला जाना पड़ता है। उससे पहले कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं था, दसवीं का स्कूल नहीं था। तो इन परिस्थितियों में हमारे दादा ने नाम कमाया, हमारे दादा ने इन जैसे साथियों को जो इतिहासकार भी हैं, राघवन जी जैसे और देव जैसे और धर्मवीर जैसे, इनको ये कहा कि मेरा भी जीवन देखो ना, हो सकता है मेरे जीवन में भी मैं उसी धारा में हूं जिस धारा में साहित्यकार सही मायनों में पहचाना जाता है, और यही साहित्यकार की निशानी होती है।